व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाइलिश आइकॉन अल्लू अर्जुन के बारे में। अल्लू अर्जुन की आज हम फिल्मोग्राफी की बात करेंगे, इन्होंने कितनी फिल्में हिट दी हैं, कितनी फ्लॉप दी हैं, ओवरऑल हमारे अल्लू अर्जुन का करियर कैसा रहा है। तो आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन का जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1982 में। 41 साल के हो चुके हैं अल्लू अर्जुन। इंडियन फिल्म एक्टर हैं, तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं और आज की डेट में इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में आते हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन अच्छे एक्टर तो है ही, इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं अल्लू अर्जुन। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, नंदी अवार्ड्स मिले हैं। इनका जन्म मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं अल्लू अर्जुन। इनके पिता अल्लू अरविंद जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वहीं अल्लू कौंडला फैमिली यानी कि चिरंजीवी सर की फैमिली, पवन कल्याण, रामचरण, ये सारे लोग अल्लू अर्जुन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अल्लू अर्जुन की फिल्मों की बात की जाए, इन्होंने कितनी फिल्में हिट दी हैं, तो आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2003 में। इनकी पहली फिल्म आई थी गंगोत्री, जो कि एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्म थी, 2003 में रिलीज हुई थी। 10.5 करोड़ की इस मूवी ने उस टाइम पे कमाई करी थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर करार दिया गया, यानी कि सुपर डुपर हिट। इसके बाद हमारे अल्लू अर्जुन की दूसरी फिल्म आई थी आर्या 2004 में, एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्म थी, 7.8 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी 2004 में। 17 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर यानी कि सुपर डुपर हिट। फिर इनकी तीसरी फिल्म आई थी बनी 2005 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ फिल्म ने 15.75 करोड़ की कमाई करी थी। फिल्म को सुपर हिट करार दिया गया। इसके बाद इनकी चौथी फिल्म आई थी हैप्पी 2006 में, एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, 7.1 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी। 9 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया। इसके बाद इनकी पांचवी फिल्म आई थी देसम दुडू 2007 में, एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्म थी, 6.1 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी। फिल्म ने 22 करोड़ की कमाई करी थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर यानी कि सुपर डुपर हिट। इसके बाद इनकी छठवीं फिल्म आई थी परुगु 2008 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, रोमांस था इसमें। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट करार दिया गया था। 20.50 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। इसी फिल्म को हिंदी में रीमेक करके हीरोपंती के नाम से रिलीज किया गया था, जिसमें टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया था। इसके बाद इनकी सातवीं फिल्म आई थी आर्या 2 2009 में, एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म थी, 7.4 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ फिल्म ने 21.50 करोड़ की कमाई करी थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे अबव एवरेज करार दिया गया। इसके बाद फिल्म की आठवीं फिल्म आई थी वरुड़ू 2010 में, एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी, 3.6 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर रही, इसने 13.75 करोड़ की मात्र कमाई करी थी। इसके बाद इनकी नौवीं फिल्म आई थी वेदम 2010 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, 8.1 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी, 15 करोड़ की कमाई करी थी। फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी दसवीं फिल्म आई थी बद्रीनाथ 2011 में, एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्म थी, 4.4 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी, 30.40 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया। इसके बाद इनकी ग्यारहवीं फिल्म आई थी जुलाई 2012 में, एक्शन कॉमेडी क्राइम फिल्म थी, 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी, 40.30 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को हिट करार दिया गया। इसके बाद इनकी बारहवीं फिल्म आई थी यद्रामय लातो 2013 में, एक्शन रोमांस फिल्म थी, 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी, 30.80 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को बिलो एवरेज करार दिया गया। इसके बाद इनकी फिर 13वीं फिल्म आई थी रेस गुरम 2014 में, एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, 7.1 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी, 58.50 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया, यानी कि सुपर डुपर हिट। इसके बाद इनकी 14वीं फिल्म आई थी सन ऑफ सत्यमूर्ति 2015 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, 7 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी, 51.20 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को अबव एवरेज करार दिया गया। इसके बाद इनकी 15वीं फिल्म आई थी सारा नायडू 2016 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, 6.6 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी। फिल्म ने 74.10 करोड़ की कमाई करी थी। फिल्म को सुपर हिट करार दिया गया। इसके बाद इनकी 16वीं फिल्म आई थी डीजे यानी कि दुबड़ा जगन्नाथम यानी कि डीजे, एक्शन कॉमेडी क्राइम फिल्म थी, 5.9 की आईएमडीबी रेटिंग इसको मिली थी। फिल्म ने 72.80 करोड़ की कमाई करी थी। फिल्म को अबव एवरेज करार दिया गया। इस फिल्म से अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद इनकी 17वीं फिल्म आई थी नापेरू सूर्या नाइल्लू इंडिया 2018 में, 6.7 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ फिल्म ने 53.90 करोड़ की कमाई करी थी। फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया। इसके बाद फिल्म की फिर 18वीं फिल्म आई थी आला वैकुंठ पुरुमुलू 2020 में, एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, 7.3 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ फिल्म ने 158.60 करोड़ की कमाई करी थी इंडियन नेट कलेक्शन में। फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया, यानी कि सुपर डुपर हिट।
इसके बाद इनकी 19वीं फिल्म आई थी पुष्पा द राइस पार्ट 1 2021 में, एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी। फिल्म ने तेलुगु नेट कलेक्शन में 184 करोड़ 20 लाख की कमाई करी थी और ये फिल्म सुपरहिट रही। पुष्पा ऐसी फिल्म है जो कि सारी इंडस्ट्रीज में जाके बॉक्स ऑफिस पे हिट रही, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं बची थी जहां पर पुष्पा मूवी ने अच्छा कलेक्शन ना किया और फिल्म हिट ना हुई हो। हिंदी में भी इसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया था और ब्लॉकबस्टर रही। तो ये थी सारी अल्लू अर्जुन की 19 फिल्में जिनका मैंने आपको वर्डिक बता दिया है, फिल्म का कलेक्शन बता दिया है। आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो 2023 से 2024 में अल्लू अर्जुन की बहुत सारी फिल्में आनी है, जिसमें से पहली फिल्म है पुष्पा द रूल जिसका बजट 200 करोड़ है। फिल्म में हमको अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म 2023 में ही रिलीज हो सकती है। इसके अलावा आइकॉन करके एक फिल्म आनी है अल्लू अर्जुन की। इसके अलावा फिर अनटाइटल फिल्म आनी है डायरेक्टर कोरा ताला शिवा के साथ, अल्लू अर्जुन देखने को हमको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा संदीप बांगा रेड्डी के साथ उनकी एक फिल्म कर रहे हैं जिसका भी नाम नहीं रखा गया है, टी सीरीज उसको प्रोड्यूस करने वाले, पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है अल्लू अर्जुन की फिल्म। तो ये चार फिल्में हैं जो अल्लू अर्जुन की आने वाली हैं। ये था हमारा वीडियो अल्लू अर्जुन के करियर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे बताइए अल्लू अर्जुन की फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपने बहुत देखी है और आप बार बार देखते हैं। अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्मों के बारे में आप कितने एक्साइटेड है वो भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो।